तो आज का जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं ये हॉट टेस्टिंग के बारे में। हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उनको डीसी सप्लाई मशीन से कैसे चेक करते हैं। कल हमने आपको डेड मोबाइल फोन को चेक करने का तरीका बताया था, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये डीसी सप्लाई मशीन से कैसे चेक करते हैं। जो भी मोबाइल फोन आते हैं यदि वो डेड कंडीशन में होते हैं तो डेड कंडीशन में डीसी सप्लाई मशीन से हमको ये हेल्प मिल जाती है कि भाई अब इस मोबाइल फोन में रिपेयरिंग करना है तो हमको करना क्या है, क्या सिचुएशन है। क्योंकि डेड मोबाइल फोन का मतलब क्या, किसी भी कारण से फोन डेड हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस कारण से मोबाइल फोन हमारा क्या हो गया हो, डेड हो गया हो। अच्छा, डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए हम लोग डीसी सप्लाई मशीन से चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? डीसी सप्लाई मशीन से चेक करते हैं। डीसी सप्लाई मशीन हमारे पास दो टाइप की आती है, एक तो मशीन छोटी वाली आती है, दूसरी मशीन कैसी होती है, बड़ी वाली आती है। जो छोटी वाली मशीन आती है ये 15 वोल्ट और 2 एम्पियर की होती है। कितनी होती है? 15 वोल्ट और 2 एम्पियर की मशीन होती है। ये मशीन जो होती है मार्केट में 900 रुपए से लेकर के 1000-1200 रुपए में मिल जाती है। इसकी जो कीमत होती है कितनी होती है? 900 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक की कीमत में आपको मिल जाती है। उसके बाद जो दूसरी डीसी सप्लाई मशीन होती है ये तुम्हारी 30 वोल्ट और 5 एम्पियर की आती है। कितनी आती है? 30 वोल्ट और 5 एम्पियर की आती है। जब 30 वोल्ट 5 एम्पियर की डीसी सप्लाई मशीन आती है तो इसमें हम लोग जब आप चेक करेंगे तो ये मार्केट में से 4000 रुपए से लेकर के 6000 रुपए तक की आती है। कोई 4000 का है, कोई 4200 का, कोई 4500 का, कोई 5200 का है, कोई 5500 का, कोई 6000 का है, मतलब 4000 रुपए से लेकर के 6000 रुपए तक की आती है। अलग अलग, जैसे कोराड की अलग है, सुगौन की अलग है, मैकेनिक की अलग है, सनशाइन की अलग है, अलग अलग कंपनियों की आती है तो उनके अपने अपने रेट होते हैं, वो अपने रेट के हिसाब से देती हैं। रही बात काम करने के तरीके, तो सबके काम करने के तौर तरीके एक ही हैं। सबसे पहले जो डीसी सप्लाई मशीन आई थी जो 5 एम्पियर और 30 वोल्ट में जो कंपनी निकाली थी, वो सबसे पहले जो निकाली थी वो ओजेई कंपनी की आई थी। किसकी आई थी? ओजेई कंपनी की। बहुत अच्छी मशीन आती है, कभी आप गूगल पर उस पर देख भी सकते हो, रिव्यू भी दे सकते हो। ओजेई लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ओजेई। वो सबसे पहले मशीन आई थी। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर कोराड निकाली थी। कोराड जो थी वो भी अच्छी काम कर रही थी। फिर उसके बाद उसको देख करके बहुत सारी कंपनियों ने डीसी सप्लाई मशीन को मार्केट में लॉन्च कर दिया। सब के अंदर भैया एक ही चीज है, सेम प्लेट सेम बोर्ड, सबका काम करने का तरीका सेम, बस थोड़ा सा नाग नक्शा लुक्स वगैरह ये सब क्या हो जाता है, बदल जाता है, मतलब देखने में आगे से नंबर नंबर अलग रहे। रही बात एम्पियर रीडिंग की, तो वो सब भी सबके समथिंग कैसी होती है, एक ही जैसी आती है। इस मशीन का काम ये है कि आपका मोबाइल फोन करंट कितना खा रहा है उसकी लोड क्षमता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? हाँ, वो प्रदर्शित करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जब आप बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपसे पूछता, भैया आप दवाई खा रहे हैं? हाँ, 2 दिन हो गया। अगर आप खाना वाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? तो हाँ डॉक्टर साहब, तो मैं 2 रोटी खा भी लेता हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं खा पाता था। तो आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने का मतलब डॉक्टर समझ जाता है कि तुम रिकवर हो रहे हो। तो उसको खाना खाना चालू कराना है कि बंद कराना है? चालू कराना है। चालू कराने का मतलब क्या, जब आदमी स्वस्थ हो जाएगा तभी खाएगा, नहीं स्वस्थ होगा तो उसका अंदर से मन ही नहीं करेगा खाने का। उसी तरीके से मोबाइल फोन में भी होता है। मोबाइल फोन अगर सही होगा तो सही से लोड एम्पियर लेगा, अगर सही नहीं होगा तो ये तो कहो अपने मन से ही लेने लगे, कहो ना ले, कहो कम ले, कहो आधे में छोड़ दे। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन पैदा होने लगती है तो इसका मतलब है हमारा मोबाइल फोन लोड एम्पियर नहीं ले रहा है। अच्छा, जब आप मोबाइल फोन को चालू करते हैं तो जो लोड एम्पियर होते हैं तो अलग अलग तरीके के एम्पियर लेता है, और अलग अलग तरीके के जब एम्पियर लेता है तो उसमें अलग अलग सिचुएशन पैदा होती है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि भैया हमें बुखार आ रहा है, तो बुखार आने का मतलब क्या, कभी शरीर गर्म होगा, कभी ठंडा होगा, कभी आदमी ऐसा बोलेगा कि बुखार है रजाई ओढ़ लेगा, कभी ऐसा है कि उसको बहुत गर्मी लगेगी, पूरा शरीर ही गर्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मतलब सिचुएशन पैदा हो रही है उसके अंदर। अब वो सिचुएशन जैसी अलग अलग सिचुएशन होंगी तो उसी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वो दवाई करेगा। तो उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन में जो डीसी सप्लाई मशीन को जो हम लोग चेक करते हैं तो डीसी सप्लाई मशीन में भी अलग अलग सिचुएशन पैदा होती हैं। हम लोग जब मोबाइल फोन को चेक करते हैं तो चाहे आप इसके माध्यम से चेक करें या इसके माध्यम से चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप 4 वोल्ट और 3 एम्पियर पे चेक करेंगे। एंड्रॉयड मोबाइल फोन को चेक करने के लिए कितने पे चेक करेंगे? अच्छा, मोबाइल कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है तो उसको 2 तरीके से डीसी सप्लाई मशीन से चेक किया जाता है। एक तो पहला जो चेक करने का तरीका होता है वो बैटरी कनेक्टर से चेक किया जाता है, दूसरा चेक करने का जो तरीका होता है वो अपना चार्जिंग वाला होता है। तो हम लोग जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन को डीसी सप्लाई मशीन से चेक करते हैं, जिसमें से हम लोग इसको 4 वोल्ट और 3 एम्पियर पे सेट करेंगे। 4 वोल्ट 3 एम्पियर पे जैसे सेट करेंगे फिर हम अपने मोबाइल फोन को डीसी सप्लाई के माध्यम से क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। आपके पास बूट केबल होती है, बूट केबल लेंगे और जो आपका बैटरी कनेक्टर होता है इस बैटरी कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे। एक तो बैटरी कनेक्टर तुम्हारा ऐसा होता है, दूसरा बैटरी कनेक्टर तुम्हारा जो एंड्रॉयड फोन में होता है वो ऐसे लॉक वाला होता है, जिसमें से इसमें ऐसे प्लस माइनस की क्या होती है, पिने होते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लिया तुम्हारा ये वाला है तो आप प्लस को यहाँ पर लगाएंगे, माइनस को यहाँ पर लगाएंगे। अगर कई बार मोबाइल फोन में कोई नहीं प्रदर्शित होता तो आप प्लस और बीएसआई को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, और माइनस को यहीं लगा देंगे। अगर फिर भी एक बार नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, फिर हम प्लस को अलग लगा देंगे, माइनस और बीएसआई को कॉमन ले लेंगे, तब आपका मोबाइल फोन चेक हो पाएगा। मतलब इस तरीके से हमको एक दो बार चेंज भी करना पड़ जाता है। और जो बूट केबल आते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसका कनेक्टर सॉकेट देखते हैं, जिसका कनेक्टर सॉकेट जिसमें मैच होता है उसके कनेक्टर सॉकेट को इसमें लगा देते हैं, बस आपका काम हो जाता है। तो ये चेक करने का क्या होता है, अपना तरीका होता है। तो हम लोग कहाँ पर सेट करेंगे, 4 वोल्ट और 3 एम्पियर पे। जब 4 वोल्ट 3 एम्पियर पे सेट करेंगे तो हम लोगों को चेक करने पर डीसी सप्लाई मशीन अलग अलग तरीके से लोड प्रदर्शित करेगा, क्या करेगा, जब अलग अलग तरीके से लोड प्रदर्शित करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी लोड को काउंट करेंगे कि कौन सा कैसा क्या लोड प्रदर्शित हो रहा है, उस लोड को हम लोग क्या करेंगे, सेंस करेंगे। देखिए डीसी सप्लाई मशीन को लोड एम्पियर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। चलिए, सबसे पहली सिचुएशन होती है जब आप चेक करते हैं और चेक करने पर वो आपका 0 से लेकर के 50, 80, 100, 150, 200, 250 ऐसे जैसे ही मिली एम्पियर आपका लोड बढ़ता हुआ जाता है तो आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। ये मोबाइल फोन की कौन सी कंडीशन होती है, ऑन होने की। कौन सी सिचुएशन होती है, ऑन होने की, कि आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अगर आपने मान लिया इतना कर लिया और आपका मोबाइल फोन ऑन हो गया तो ठीक है, आपको पता चल गया कि आपका फोन चालू है। कस्टमर आपके पास फोन बनवाने आया है, उसका फोन नहीं चालू हो रहा है, पता चला उसका बैटरी खराब है, बैटरी डाउन हो गया। जब बैटरी डाउन हो गया तो मोबाइल फोन क्या होगा, चालू नहीं होगा। जब मोबाइल फोन नहीं चालू होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको चेक करना पड़ेगा। तो अगर मान लिया तुमने लगाया और बूट केबल लगाते आपका मोबाइल फोन चालू हो गया तो बैटरी डाउन है, कस्टमर को बता देते हैं भाई इसकी बैटरी डाउन है, लेकिन फोन तो चालू है, तुमको तो पता चल जाएगा ना, उसमें इतना चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो एक बार में डीसी मशीन से क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर उसके बावजूद भी सिचुएशन सेम है फिर भी आपका नहीं हो पाता तो फिर सेकेंड पोजीशन आप यदि चेक करते हैं 0 से लेकर के 80 तक जाती है, 80-100 तक जाती है, फिर वापस आ जाती है, जीरो 10, 20, 50, 80 तक जाएगी, फिर एकदम से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल फोन में पावर आईसी इसका मतलब है आपके मोबाइल फोन में पावर आईसी ऑन नहीं हो रही है। अब पावर आईसी ना ऑन होने के ऐसा भी कारण हो सकता है कि पावर आईसी के आउटपुट में कोई शॉर्टिंग हो, जिस कारण से पावर आईसी उठ रही हो और फिर उसके बाद बैठ जाती हो,
तो इसका मतलब होता है कि पावर सप्लाई आईसी हमारी ऑन नहीं हो रही है। उसके बाद तीसरी सिचुएशन आती है, यदि 0 से लेकर के 80 में जाकर के स्टक हो जाता है। 80 में जाकर के क्या हो गया? स्टक हो गया। 80 में जाकर के स्टक हो जाता है, तो स्टक होने का मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में या तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, या तो उसका सॉफ्टवेयर चला गया है, या तो उसमें MMC को प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? MMC को प्रोग्राम करना पड़ेगा, IC को प्रोग्राम करना पड़ेगा। यदि 0 से लेकर के 80 तक एम्पियर रेटिंग बताता है तो आपका मोबाइल फ़ोन क्या है, चालू हो रहा है, और लेकिन उसका सॉफ्टवेयर चला गया है जिसके कारण से आपका फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा। अगर 80, 70, 90, 65 ऐसे जा कर रुक जाता है, स्टक हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टक हो जाता है। उसके बाद यदि आपका मशीन 10, 20, 30 इतना ही रीडिंग बताता है, तो इसका मतलब होता है ये भी आपकी पावर सप्लाई से ही प्रॉब्लम है। किससे प्रॉब्लम है? पावर सप्लाई से प्रॉब्लम है। यदि आप चेक करते हैं और चेक करने पर नो रीडिंग, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होता, आपने चेक किया, चेक करने पर कोई मूवमेंट नहीं होता, मतलब जैसा लगा था वो बटन वटन ऑन अप दबा रहे हो, बिल्कुल मशीन वैसे ही ज्यों करते हो, अपने 4 वोल्ट 0 एम्पियर पर घड़ी कुछ नहीं बता रही। जब कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है या तो तुम्हारा बैटरी कनेक्टर का लाइन खराब है जिस कारण पावर ऐसी तक करंट ही नहीं पहुंच रहा है। दूसरी बात, तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल फोन में ऑन ऑफ का भी लाइन खराब हो। अगर आपके मोबाइल फोन में से ऑन ऑफ का लाइन खराब हो जाएगा तो ऑन ऑफ के लाइन खराब होने से भी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जब हम DC सप्लाई मशीन को लगाते हैं और जब बूट केबल को लगाने के बाद जब मोबाइल फोन को ऑन करते हैं तो रीडिंग तभी चालू होती है जब ऑन ऑफ बटन दबाते हैं, क्योंकि ऑन ऑफ बटन दबाते ही तो पावर IC एक्टिव होगी, तभी तो आगे रीडिंग निकलेगी। तो ऑन ऑफ बटन अगर खराब हो जाएगा तब भी आपका फोन नहीं चालू होगा, तो ये भी सिचुएशन आती है। उसके बाद अगली सिचुएशन बनती है इसमें से, यदि आपने चेक किया नो रीडिंग आ रही है, यदि आपने चेक कर रहे हो, चेक करने पर 110-150 के बीच में रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में पावर ऐसे भी ऑन हो रहा है लेकिन CPU ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा CPU से प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद यदि आप DC मशीन से चेक करते हैं और DC मशीन से चेक करने के बाद अगली कंडीशन, जब आप चेक करते हैं यहां पर आपके क्या हो जाते हैं, वोल्टेज 0 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वोल्टेज 0 हो जाते हैं और एम्पियर फुल, मतलब एम्पियर हाई हो रहा है, एम्पियर पूरे की तरह भाग रहा है, वोल्टेज कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग है। क्या है? शॉर्टिंग है। या तो तुमने ऐसा भी है कि बैटरी कनेक्टर को तुमने उल्टा भी लगा दिया है, अगर बैटरी कनेक्टर को उल्टा लगा दोगे तब आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग भी बताएगा, ऐसा भी हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज 0, एम्पियर क्या हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप चेक कर रहे होते हैं और चेक करने पर आप DC सप्लाई मशीन से चेक करने पर ऑटोमेटिक रीडिंग, इसको बोलते हैं ऑटो रीडिंग, यदि अपने मन से रीडिंग लेने लगता है, तो अपने मन से रीडिंग का मतलब होता है या तो बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग है, या तो ऑन ऑफ में शॉर्टिंग है, या तो फिर पावर सप्लाई में शॉर्टिंग है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। जब शॉर्टिंग होगी तभी आपका मोबाइल फोन अपने मन से रीडिंग लेगा, ऐसी सिचुएशन हमारी पैदा होती है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये हमने DC सप्लाई मशीन की हमने अलग अलग तरीके की सिचुएशन बताई है, ये DC सप्लाई मशीन में भाई अलग अलग तरीके की सिचुएशन आती हैं या अलग अलग सप्लाई की सिचुएशन होती हैं, जिस सप्लाई की सिचुएशन को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं।
ये सिचुएशन चेक करने का तरीका होता है। जो भी मोबाइल फोन आएंगे उस मोबाइल फोन के अंदर जब आप डीसी सप्लाई मशीन से चेक करेंगे तो डीसी सप्लाई मशीन से चेक करने पर ये अलग अलग तरीके की कंडीशंस आपके सामने जनरेट होती हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, जब 0, 50, 80, 100 तक रेटिंग जाए तो मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा, 200, 250 तक जाएगा। उसके बाद 0 से लेकर 80 तक रेटिंग जा करके वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब आपके मोबाइल फोन में पावर आईसी ऑन नहीं हो रही है। यदि आपके मोबाइल फोन में 0, 80 से जाकर स्टोर हो जाएगी तो इसका मतलब आपके मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर या एमएमसी आईसी की प्रॉब्लम है, प्रोग्राम करना पड़ेगा। या 10, 20, 30 रीडिंग बता रहा है तो इसका मतलब पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। यदि नो रीडिंग बैटरी कनेक्टर, अगर कोई रीडिंग नहीं बता रहा तो इसका मतलब बैटरी कनेक्टर या ऑन ऑफ लाइन का खराबी है। यदि 110, 150 में रीडिंग जा रहा है तो इसका मतलब आपके मोबाइल फोन में सीपीयू की प्रॉब्लम है। यदि वोल्टेज 0 एम्पियर फुल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके फोन में शॉर्टिंग है या तो आपने उल्टा लगा रखा है। यदि ऑटो रेटिंग दे रहा है तो ऑटो रेटिंग का मतलब होता है बैटरी कनेक्टर ऑन ऑफ लाइन खराब है या तो पावर सप्लाई से प्रॉब्लम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको चेक करने के लिए हम लोग एक स्पेशल बूट केबल इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस बूट केबल में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। उसके बाद ये इतने सारे इसके क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टर होते हैं। अब इन कनेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे और मोबाइल फोन में चालू करके देखेंगे कि क्या क्या किस तरीके से सिचुएशन जनरेट हो रही है। जितने सारे लोग हैं सारे लोग क्या करेंगे, मेरे पास आएंगे, घास हास में पानी सींच रहे हो। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो तो ये जो हमारी डीसी सप्लाई मशीन है, इस मशीन को हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए मैं चलाना बता देता हूँ और तुम बैठे चला तो दिखाई देगा, दिखाई दे रहा। तो ये हमारा ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। अब जितनी सारी मशीनें आ रही हैं वो वोल्टेज सेव करने वाली मशीन आ रही है। ये मशीन वोल्टेज सेव करने वाली नहीं है, इसको ऑटोमेटिक फट से सेट हो जाती है, जहाँ पर लगाना चाहो लगा लीजिए। जैसे एक से जब होता है वोल्टेज सेट होता है, एक पे एम्पियर सेट होता है वोल्टेज, ये करंट एम्पियर। अब आप वोल्टेज कम ज़्यादा करना तो इस पर एक बार ऐसे क्लिक करोगे, वैसे खट 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 कर जितना चाहो उतना ज़्यादा ले जाओ, जितना चाहो उतना कम ना ले जाओ। ठीक, ये तुम्हारे एम्पियर है, ऐसे कट कट दबाओगे तो काम होता है, जितना चाहो कम कर लो। सेट हो गया, सेट होने के बाद ऑटोमेटिक सप्लाई इसमें आउटपुट बाहर निकल आएगी, कोई ऑन ऑफ बटन दबाने का झंझट नहीं। ऑन ऑफ बटन दबाओगे तभी निकलेगा, अपने मन से चलती है। ठीक, उसमें वोल्टेज सेव करने का ऑप्शन है कि M1 दबाओ, M2 दबाओ, M3 दबाओ, M4 दबाओ, वोल्टेज सेव करने पड़ते हैं। ये पहली मशीन होती थी वो चैनल वाली नहीं आती थी, ये ऐसे ही चलती थी। अब मशीनों में नए नए फीचर आने लगे हैं लेकिन काम करने का तरीका वही है, कोई ऐसा नहीं कोई बदलाव हुआ हो, बस नया बना देते हैं। पहले 4,000 गया थी, 5,000 कर दिया है, पैसे बढ़ा रहे हैं। इसको लगा दिया, इसको लगा देने के बाद अब जैसे मान लिया मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ये रियलमी का मोबाइल फ़ोन है। हम लोग इस मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगे, इस मोबाइल फ़ोन को चेक करने के लिए इसका जो बैटरी है उसको निकाल करके बाहर कर लेंगे। ये जो बैटरी का ग्रिप बना होता है बैटरी को निकालने के लिए बना होता है, यहाँ पर आपको खींचना नहीं होता, धीरे धीरे ताकत लगानी होती है, बंदी हुई ताकत, ये ऑटोमेटिकली निकल करके बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बैटरी का पत्ता लगा होता है, हम लोग क्या करेंगे ये लेंगे, लेने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो बैटरी का जो जैसा कनेक्टर दिख रहा है ऐसे कनेक्टर को आप इसमें से मैच कर लेना है। देखो भाई आपका कौन सा मैच कर रहा है, इसमें से जो जिसमें मैच कर रहा है वो डिजाइन का स्ट्रक्चर को आप ले लेंगे। इसमें बहुत सारे डिजाइन आते हैं, ये बूट केबल महंगी सस्ती इसी वजह से आती है कि जिसमें ज़्यादा कनेक्टर होते हैं, जितने ज़्यादा डिजाइन स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ही ज़्यादा उसमें काम करने का तरीका दिया होता है। हुआ
ठीक। अब देखो इसमें, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे इसे। ये देखो ऑटोमेटिक एमपीए ले रहे हैं, ये मोबाइल फोन चालू हुआ। देखो हमने बिना ऑन ऑफ बटन दबाए ही अपने मन से एमपीए लेने लगा, फिर छोड़ दिया, ये रिस्टार्ट होता, फिर छोड़ दिया, फिर दिया। इसका मतलब है कि हो सकता है अब ऐसी कंडीशन में कस्टमर को लेकर के, कस्टमर कह रहे मेरे फोन का सॉफ्टवेयर चला गया, फोन चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू बंद क्या हो रहा है, देखो ले रहा है एमपीए छोड़ रहा है। इसका मतलब है हो सकता है कि इसका ऑन ऑफ के लाइन में शॉर्टिंग हो। क्या है ऑन ऑफ की लाइन में शॉर्टिंग? तो ऑन ऑफ के लाइन में शॉर्टिंग है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, पहले इसको ड्राइवर दीजिए हमको। अब ये ऑनर स्विच में हो सकता है, ऑनर स्विच में शॉर्टिंग हो तो हम लोग क्या करेंगे, और ये ऑनर स्विच यहाँ अटैच होता है ना, अब क्या करेंगे, कोई कागज ले लो, कागज लाओ हल्का सा, कागज लगाने के बाद आप इसके ऑनर के जो पत्ता है ना इसमें ऐसे कागज लगा दोगे, उसके बाद बोर्ड को ऐसे रख दोगे। अब कहते सही ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने ऑन ऑफ बटन को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने से अगर आपका मोबाइल फ़ोन सही हो गया तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसके ऑन ऑफ स्विच के पत्ते में शॉर्टिंग है, और अगर फिर भी हो रहा है तो हमको ये समझ में आएगा कि ऑन ऑफ के ट्रैक में शॉर्टिंग है ना, इससे हमने ट्रैक को कट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। चलिए तब देखो इसमें नहीं हो रहा है ना, इसमें ना होने का मतलब ये है कि शॉर्टिंग किस में थी, पत्ते में, ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ बटन में, ऑन ऑफ बटन में शॉर्टिंग थी। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऑन ऑफ बटन को रिपेयर या चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ऑन ऑफ बटन को रिपेयर कैसे करते हैं ये भी तरीका देख लीजिए।